नफरत का कारण अन्याय है कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। मैं आज का दिन ये शिवसैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है, ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी सवाल मैं यहाँ इस बार पूछना चाहता हूँ। और हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए भी लोग अभी डर रहे हैं, और इसलिए बाला साहब के विचार को त्याग देना, उनकी विचारधारा को पूरी तरह खत्म करना, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जिन्होंने की है, आज इस चुनाव में इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। आज विधायक आमशा पाडवी और उनके हजारों कार्यकर्ता आज इसी दिन बाला साहब के विचारधारा के शिवसेना में शामिल हुए हैं। एक देखो, एक यहाँ पर बाला साहब के विचार और वहां पर बाला साहब के विचार को ठुकराने वाले लोग, और इसलिए आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, काला दिन है। भाई ऐसा है कि मंच पे बड़े नेता होंगे पर जनता कितनी होगी ये देख लेना, और इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहां पर है, भीड़ चाहिए मतदाताओं, विपक्ष में भी उनका अभाव है। मोदी जी के वहाँ मतदाताओं की भीड़ है और राहुल जी के वहाँ नेताओं की भीड़ है।